इज हेयर. मैंने इंस्टाग्राम में पोल किया था whether you guys want closet tour या shoe collection. तो आपने closet tour बोला. So I'm gonna show you क्या क्या है मेरे closet में and कैसे organize किया है. So let's just jump in. So guys, basically three door closet है and एक overview में देखने जाएगा तो कुछ ऐसा दिखता है ये. And इसके बाद I have one more door. ये थोड़ा messy type है but दिखता है. तो एक एक करके हम सारे sections में जाते हैं और थोड़ा सा brief overview देती हूँ मैं. So this is the first section and इसमें सारे मेरे jackets हैं and tops हैं. मैं अभी सारे एक एक दिखाऊंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मतलब पूरे एक वीडियो में नहीं आ पाएगा. तो आई एम जस्ट गोना शो यू सम ऑफ माय फेवरेट्स. सो जैकेट मैंने यहाँ पे इसलिए स्टोर की क्योंकि अगर मुझे दिखेगी नहीं तो विंटर है तो मैं पहनूंगी नहीं. सो मेरी फेवरेट जैकेट इसमें से अभी रिसेंट परचेज है मेरी ये है. दिस इज फ्रॉम मैक्स और ये थोड़ा सा मेटालिक उसमें तो थोड़ा सा पार्टी वाइब्स आती है इससे. सो ये वन ऑफ माई टॉप्स में अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पे मैंने सारे कलर कोऑर्डिनेट करके टॉप्स रखे हैं एंड ब्लैक मेरे पास बहुत दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं सारे स्क्विश्ड हैं. तो ब्लैक ही मेरा फेवरेट है. ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट टॉप है इस सेक्शन में. इसमें वी कट मतलब वी कट नेकलाइन है और नॉर्मल सा ब्लैक टॉप है विथ फुल स्लीव्स शॉर्ट टाइप पैटर्न में. तो या ये मेरा फेवरेट है. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ब्लैक टॉप. इसमें काफी अच्छा नेट दिया हुआ है एंड इसमें ये इनर भी है. सो या दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉप. इसको मैंने आज तक एक बार भी नहीं पहना है. 3 साल हो गए इसको खरीदे बट आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर एन ओकेशन टू वेयर इट. देन अगर और कोई दिखाऊं तो ये सारे व्हाइट टॉप से मजबूरी में लेना पड़ा बिकॉज लॉ कर रही हूँ मैं एंड वहाँ पे वाइट ब्लैक पहनना पड़ता है. डोंट हैव एनी ऑप्शन बट अगर वाइट में पूछोगे मुझे तो दिस इज माई फेवरेट टॉप. इसमें काफ़ी अच्छी नेट है एंड ये एक्चुअली मैंने सरोजनी नगर से लिया था तो इट्स काइंड ऑफ स्पेशल. सो या दिस इज द टॉप. अब नीचे वाले अगर सेक्शन में आएंगे तो आई हैव टू ड्रॉर्स. जिसमें फर्स्ट ड्रॉर में आई हैव सम ऑफ माई स्पेशल थिंग्स लाइक दिस टेडी बेयर इज क्वाइट स्पेशल फॉर मी एंड वॉलेट्स हैं इसमें छोटे छोटे एंड इसमें भी क्यूट क्यूट स्टफ्स हैं काफ़ी लाइक ये रोपोजो का मिरर है. थोड़ा ओपन नहीं हो रहा एंड फोन कवर्स है कुछ पेन है सम बैंक अकाउंट के मेरे कुछ कुछ स्टफ्स हैं. बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स भी कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है और ये वाला सेक्शन थोड़ा प्राइवेट है. अब नीचे जाएंगे दिस इज द सेकेंड शेल्फ एंड इसमें थोड़ा सा मुश्किल है मुझे बताना बट आई एम गोना शो यू. सो यहाँ पे एक पाइल है उसके पीछे एक और पाइल है उसके बाजू में एक और पाइल है एंड यहाँ पे पाइल है पीछे भी एक और पाइल है. सो बेसिकली इस साइड मेरे सारे नॉर्मल टॉप्स हैं जैसे कि अभी मैंने ये खरीदा था कूव से. सो ये एक टॉप है मेरे पास एंड ये मेरा था फेवरेट टॉप है. यहाँ पे मैक्सिमम रेड्स हैं. ऊपर रखने की जगह नहीं थी तो मेरे को पाइल बनाना ही पड़ा. पीछे सारी कुर्तीज हैं. यहाँ पे मेरे वाइट टॉप्स हैं और थोड़े कुछ नए टॉप्स हैं जो मैंने अभी तक नहीं पहने हैं एंड पीछे उधर कुर्ती है बिकॉज मैं ज़्यादा कुर्तियाँ पहनती नहीं हूँ तो यूज़ नहीं आती उतनी. देन यहाँ पे मेरे सारे ऑफ शोल्डर एंड वन शोल्डर टॉप्स हैं. आई एम गोना शो यू वन ऑफ माई फेवरेट वन शोल्डर टॉप. लाइक दिस इज माई फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट टॉप. उसको दिखाना थोड़ा मुश्किल है बट या दिस इज वॉट द टॉप लुक्स लाइक. इसमें ये वन शोल्डर है एंड फुल स्लीव्स है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्या पर्ल्स दिए हुए हैं तो दिस इज काइंड ऑफ फेवरेट. देन यहाँ पे कुछ नहीं बस इसमें थोड़े शेप वेयर्स हैं तो इसको मैंने सामने ही रखा है बिकॉज आई डू नीड देम ऑफन.
देन नीचे आएंगे अपन. तो यहाँ पे मेरे बेसिकली गाउन्स हैं और इंडियन वेयर है. यहाँ पे मैंने अपने सारे इंडियन वेयर ऐसे बैग में स्टफ करके रखे हैं. एंड ये सारे मेरे इंडियन वेयर हैं. जो और काफ़ी लहंगाज होते हैं वो मम्मी के पास रखा दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी उसके लिए. देन ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइजर है. अब ये मेरा फेवरेट सेक्शन है. यहाँ पे मेरे सारे गाउन्स हैं, इवनिंग गाउन सारे, मीन्स जो लॉन्ग लेंथ वाले गाउन्स रहते हैं. जैसे कि ये अभी मेरा रिसेंट फेवरेट गाउन है. दिस इज अ ट्यूब काइंड ऑफ अ लॉन्ग गाउन एंड इट्स माय फेवरेट. सो या दिस इज लास्ट शेल्फ एक्चुअली. यहाँ पे सारे मेरे जिम वेयर हैं. ये सारे नाइट सूट्स हैं. नीचे ये मेरा लॉयर वाला कोट है. एंड यहाँ सारे ड्रेसेस हैं. सो जिम वेयर तो ऐसा कुछ फेवरेट है नहीं, बट जो ऊपर दिखा है मैंने शो यू दिस वन. ये थोड़ा, ये मैंने कहाँ से लिया था, ये मैंने पैंटलून से लिया था और ये कुछ इस टाइप का है. यहाँ पे मेश है दो जगह. सो ये बहुत बहुत ही अच्छी परचेज थी. देन कमिंग टू माई नाइट सूट्स, ये पूरा शेल्फ मेरे नाइट सूट का है. और मेरा जो फेवरेट नाइट सूट है जो भी टैग्स के साथ है वो ये वाला है. ये लाइक अ मिडी गाउन और समथिंग. तो ये काफ़ी सैटिन मटेरियल है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अच्छा लगता है. ये है. देन आई हैव ऑल ऑफ माई ड्रेसेस देयर, मीन्स जो शॉर्ट नी लेंथ ड्रेसेस है वो सब वहाँ पे है. सो दिस इज द वन ऑफ माई फेवरेट ड्रेस. और ये कुछ इस टाइप की है. ये मैंने कूव से ली थी और ये कुछ ज़्यादा ही पसंद है मुझे. सो ये ड्रेस है और एक ये वाली ड्रेस है मेरी. हाँ ये स्टॉक बाय लव की है. मेरा एक्चुअली 90% क्लोजेट स्टॉक बाय लव से ही है. सो ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ये सेक्शन ख़त्म हो गया. और या इतना सब है इसमें फिलहाल. नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन. यहाँ पे थोड़ा डिसऑर्गेनाइज है बट हाँ मैं मतलब लोकेट कर लेती हूँ क्या कहाँ पे है. तो यहाँ पीछे मेरे सारे डेनिम्स हैं, मीन सारे बॉटम्स बेसिकली. और डेनिम्स उतने मुझे कुछ खास पसंद नहीं है तो मैंने पीछे यहाँ स्टोर के रखे हैं. यहाँ एक डंगरी है एंड बाकी ये सारे डेनिम्स हैं. कुछ ट्राउजर्स हैं, जैसे कि ये बहुत ट्रेंडी है आजकल, ऑलमोस्ट सारे ब्लॉगर्स के पास है ये वाला ट्राउज़र. एंड यहाँ पे आप इसको पूरा ऊपर तक ओपन अप कर सकते हैं. सो या दिस इज वन ऑफ दैट. फिर मेरे पास ये है. ये इज लाइक दिस हैज ऑल ऑफ माई हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कलर, सब उस टाइप की चीज़ें हैं. तो ये यहाँ पे मैं रख देती हूँ ताकि सामने हो तो मैं ग्रैब कर सकूँ. देन नेक्स्ट यहाँ पे कुछ बेबी वाइप्स हैं, मेकअप रिमूवर वाइप्स हैं. और ये सेक्शन, ये अभी उतना ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास है नहीं उतने बैग्स, बट जितने भी हैं वो मैं कुछ ऐसे स्टोर करके रखती हूँ ताकि मुझे दिख जाए सब. एंड पीछे कुछ नहीं है, मिसलेनियस स्टफ है, हेयर स्ट्रेटनर वगैरह एक्स्ट्रा वाले और पीआर पैकेजेस वगैरह रहते हैं. ये मेरी क्लॉथी कैप है, मेरे पास सिर्फ एक ही कैप है. तो ये कैप है. देन ये एक मैंने लिया था स्टूडियो वेस्ट से, आईलैश कलर, क्योंकि पिंक था, रोज गोल्ड था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. देन ये सारे मेरे बैग्स हैं. ये मेरा सबसे ज़्यादा यूज्ड बैग है, दिस इज़ अ स्लिंग बैग. और ये मैंने अलग से ख़रीदा था बट दोनों साथ में अच्छे जाते, तो दिस इज़ दैट. बाकी एक और बैग है जो कि बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये वाला है. लाइक दिस इज अ वाइट बैग, ये क्लब फैक्ट्री से ये भी. एंड ये भी एक स्लिंग बैग है. सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड बैग, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, प्राइस भी काफ़ी कम था तो ले लिया मैंने. देन नीचे आएंगे तो
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस एक टॉयल है, पीछे ड्रेसेस है जो एक्स्ट्रा वहाँ पे फिट नहीं हो पाई, एंड यहाँ पे मेरा कैमरा बैग है। यहाँ जो ड्रेसेस है वो मतलब थोड़ी अजीब टाइप की ड्रेसेस है, ये पता नहीं मैं कभी ज़िंदगी में पहन पाऊँगी नहीं पहन पाऊँगी, बट मुझे बहुत पसंद है, कुछ ज़्यादा ही ब्लिंगी है मेरे लिए, बट फिर भी मुझे अच्छी लगी, ऐसी इंस्टाग्राम के लिए अच्छी है तो मैंने ये रख ली। सो एक ये ड्रेस है, देन इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो ये ज्वेलरी सेक्शन है। आई हैव ऑल माई ज्वेलरी स्टोर्ड इन दिस बॉक्सेस, और जैसे कि ये वैनिटी कास्ट का बॉक्स आया था, इट वॉज क्वाइट स्टडी, तो मैंने इसमें स्टोर कर ली। इसमें मेरी सारी वेस्टर्न ज्वेलरीज है, जैसे कि एक ये वाली इयरिंग है जो कि मेरी फ्रेंड और मैंने एक साथ ली थी, एंड ये बहुत ही प्यारी है, हम लोग ने दिवाली में लिया था, हम लोग ने सेम ड्रेस ली थी और सेम इयरिंग्स एंड शूज़ लिए थे, और वो शूट कर रही है। सो ये एक इयरिंग है, देन हुक्स है इसमें बहुत सारे, सो इसमें बेसिकली सारी मेरी वेस्टर्न है, और इसमें थोड़ी इंडियन है, जैसे कि सारे इतने बड़े बड़े वाले झुमकास, और ये तो सारे इसमें मैंने स्टोर किए हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं ज्वेलरी, बट उतना मैं ऑफन उसको पहनती नहीं हूँ। इसमें फेक नेल्स हैं, और सारी वॉचेस हैं मेरी इसमें, इसमें भी सारी ज्वेलरीज है। देन ये सेक्शन घर का कपड़ा है बेसिकली, तो इसमें नहीं जाते इसलिए मैंने इसको ऑर्गेनाइज भी नहीं किया, जो सामने मिलता है आई यूज टू वेयर इट, तो ये घर का कपड़ा है इसमें सब। सो या सो गाइज, दैट वॉज माई क्लॉजेट टूर, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप, और सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन दबा देना, और कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो तो वो बताना कमेंट्स में, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।